कहीं काम नहीं मिल रहा है, क्या करूं कहां जाऊं। पापा पापा। बोलो बेटा। स्कूल में एक प्रोग्राम है, मुझे नए कपड़े चाहिए। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े ला दूंगा। पापा, मेरे सभी दोस्तों को कपड़े मिल गए, बस मुझे ही नहीं मिले। अगली बार भी तुमने लेट कर दिया था, इस बार लेट कर दिया तो मैं नहीं जा पाऊंगा प्रोग्राम पे। इस बार मैं तुम्हें जल्द ही ले दूंगा कपड़े बेटा। ठीक है पापा, मैं दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। ठीक है। आ गया दोस्त। हाँ, मैं भी फंक्शन में जाऊंगा, मैंने पापा को कपड़े लाने बोल दिए। पिछले बार भी बेटे को कपड़े समय पे ना दे सका, इस बार भी पैसे नहीं, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। मालिक मालिक, हमको काम चाहिए। क्या काम जानता है मालिक? मालिक, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, आप कुछ भी काम बोलो मैं कर दूंगा। इन लोग पॉलिश कर रहा है, मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगा इन लोगों से। इन लोग तो डिजाइन बनाता है, पॉलिश मारता है, सुबह से शाम तक काम करता है, इन लोग को अच्छा हाजिरी बन जाता है। देखो मेरे पास तो अभी ऑलरेडी स्टाफ है। तब मालिक मुझे काम नहीं मिलेगा यहाँ? जाओ यहाँ से, टाइम बर्बाद मत करो। मालिक मालिक, कुछ काम मिलेगा? यहाँ पर कुछ काम नहीं है। मालिक ऐसा मत कीजिए, मुझे कुछ भी काम दे दीजिए मालिक, आप जो बोलोगे वो कर लूंगा। मुझे पैसा का बहुत जरूरत है मालिक, बहुत जरूरत है। मैंने बोला ना यहाँ पर कुछ काम नहीं है, तुमको समझ में नहीं आता? निकलो निकलो, दिमाग मत खराब करो। खेल के आ गया बेटा। पापा पापा, मुझे बहुत भूख लगा। ठीक है बेटा, मैं देखता हूँ तुम्हारे लिए कुछ खाना। ठीक है। घर में खाने को कुछ भी नहीं है और पैसे भी नहीं हैं, बच्चे को भूख भी लगा है, क्या करूं कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बेटा तुम यहाँ बैठे रहो, मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। भैया भैया, मेरा बच्चा बहुत भूखा है, हमको कुछ खाने के लिए दीजिए ना भैया, मेरा बच्चा बहुत भूखा है भैया। हाँ हम देख रहे हैं, घर में अभी तो खाना बना ही नहीं है, अभी देख रहे हैं घर में कुछ होगा तो हम दे दे रहे हैं, देख रहे हैं। भाई साहब, आपने मेरा जो रोटी बेटे के लिए दिया ना, आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ए ऊपर वाले, तेरा शुक्रिया कि आज ये रोटी मुझे मिल गया, वरना मेरा बेटा भूखा ही रह जाता है।
हूँ।